इसको एलिमेंट बोलते हैं, ये पपेट होता है, ये स्लीव होती है जिसका आर्मर होल है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा पपेट है इसका ये एरिया ज़्यादा है, देखिए आगे सीट वाला एरिया कम है, जो कि मैं अक्सर दिखाता रहता हूँ अपने वीडियो में। तो अभी अगर आप यहाँ से इसको देखते हैं तो ये मूवमेंट करता रहता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, तो आपको नज़र भी आ रहा होगा, देखिए ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है। तो यानी ये इसका टी लाइन होता है, ये इसका पी लाइन होता है पंप के साथ कनेक्ट, और ये आपका टी लाइन है। और कई बार हम ए और बी बना लेते हैं अगर एनआरबी की तरह वो यूज़ करना है, जैसा हमारा एप्लीकेशन होता है वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, बस रहता है ऐसा ही है। जितने भी हमने कार्टेज म्यूजिक वाल होते हैं सारे ऐसे ही रहते हैं, फंक्शन ऐसे ही होता है, बस रेशियो का अंतर होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है अपना पपेट एंड कार्टेज म्यूजिक वाल, आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार और मैं निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए पपेट एंड स्लीव, आर पार होल कुछ नहीं है, बाकी ये इधर प्रेशर साइड, ये बैक साइड, ठीक।